हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर यू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। मोमोज चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए 4 टमाटर, 2 से 4 लाल मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्च, 4 से 6 लहसुन की कलियां, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच अदरक, थोड़ी सी लाल मिर्च, 1 मीडियम साइज प्याज, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 से 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच चीनी। सबसे पहले टमाटर और लाल मिर्च को उबाल दें। आप चाहें तो टमाटर को 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। आपको टमाटर को इतना उबालना है ताकि इसका छिलका अलग हो जाए। छिलका अलग करने के बाद इसे ठंडा होने दें। अब टमाटर और लाल मिर्च को ग्राइंड कर लें। ऐसे ही एक दूसरा जार लेकर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज को भी ग्राइंड कर लें। फिर एक पैन में 2 चम्मच तेल डाल के ग्राइंड किए हुए प्याज और लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लें। इसमें नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च डाल दें। अब फ्राई किए हुए लहसुन प्याज के मसाले में आप टमाटर मिर्च के पेस्ट को भी ऐड कर दें। अब इसमें आधा चम्मच चीनी डाल दें। अब इसे 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम पे पकने दें। जब चटनी थोड़ी थिक हो जाए तो समझ जाइए टेस्टी मोमोज चटनी रेडी हो गई है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।